नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औद्योगिक एग्जाम प्रिपरेशन में। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बालक का समाजीकरण। इस वीडियो के अंतर्गत मैं समझाने वाला हूं बालक का समाजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए समझते हैं बालक का समाजीकरण क्या होता है। बालक का समाजीकरण, कोई भी बालक की तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इस तीन अवस्थाओं के कारण जो जो होता है उसकी समाजीकरण है, उसका किस तरीके डेवलप होता है, कैसा विकास, समाजीकरण का विकास कैसे होता है बालक का, इन तीन अवस्थाओं में समझते हैं। बालक का जो समाजीकरण शैशवावस्था में होता है, चूंकि बालक शैशवावस्था में परिवार से बाहर उसका वातावरण नहीं होता, परिवार ही उसका प्रथम समाज कहलाता है। शैशवावस्था में बालक का प्रथम समाज परिवार होता है। याद कर लीजिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शैशवावस्था में प्रथम बालक का प्रथम समाज परिवार ही होता है। तो प्रमुख साधन शैशवावस्था में समाजीकरण के लिए प्रमुख साधन परिवार है, परिवार है। परिवार से ही शैशवावस्था में, परिवार से ही वह अनुकरण के द्वारा, आश्रितों के द्वारा, सहयोग के द्वारा समाजीकरण का कैसे विकास होता है शैशवावस्था में। देखिए, अनुकरण के द्वारा, जैसा दूसरा कहेंगे वैसा वो सीख जाता है। जैसा छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं, जब वो शैशवावस्था में होता है, जन्म से दो वर्ष का बालक होता है, उसको बताते हैं कि ये पापा है, पापा बोलो या मम्मी बोलो, इस टाइप में हम सिखाते हैं। तो शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा, सहयोग के द्वारा, जैसे हम सहयोग कर करके उसको सिखाते हैं, आश्रितों के द्वारा, दूसरों पर आश्रित होता है शैशवावस्था में। जो समाजीकरण होता है, दूसरों पर आश्रित होकर के समाजीकरण को सीखता है। अब आते हैं आत्मवाक, आत्मवाक प्रदर्शित करता है। जो शैशवावस्था में बालक होता है, जब वो 3 माह का होता है, तो वो आत्मवाक प्रदर्शित करने लगता है। कैसे, क्या होता है आत्मवाक? आत्मवाक मतलब ये होता है, जब कोई बालक 3 माह का होता है, तो वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। ये उसका प्रथम सोपान होता है समाज के लिए, कि वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। ये आत्मवाक प्रदर्शित करने लगता है। पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ, अगर सीटेट एग्जाम में आपके आता है आत्मवाक प्रदर्शित करना कब प्रारंभ करता है, तो आप शैशवावस्था लिखेंगे। कब आत्मवाक प्रदर्शित कब करना प्रारंभ कर देता है, तो आप करेंगे बाल्यावस्था में। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको शैशवावस्था समाजीकरण अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आपको समझाते हैं बाल्यावस्था का समाजीकरण। बाल्यावस्था में समाजीकरण जो होता है, उसका दायरा, बालक का दायरा, क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो विद्यालय में प्रवेश कर लेता है, तो क्या होता है कि उसका जो दायरा है परिवार, विद्यालय और मित्र में हो जाता है। समाज, बालक का जो समाज है वो परिवार, विद्यालय और मित्र हो जाता है। अगर पूछा जाए कि बाल्यावस्था में प्रमुख साधन क्या है समाज का, समाजीकरण में बालक के समाज, तो प्रमुख साधन जो होगा विद्यालय होगा। उसके पास परिवार तो शैशवावस्था में ही था, प्रमुख साधन जो वहां से अध्यापक, जो उसके पाठ्यक्रम या जो उसका वातावरण, विद्यालय वातावरण होगा, उससे जो समाजीकरण का भावना विकास करेगा, विकसित करेगा, वो विद्यालय प्रमुख साधन बन जाता है उसके लिए, बाल्यावस्था के लिए। सामाजिक प्रशंसा एवं सामाजिक प्रकृति पाई जाती है बाल्यावस्था में। बालकों में सामाजिक प्रशंसा, जैसे अच्छा बालक, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की की भावना विद्यमान होने लगती है बाल्यावस्था में, और सामाजिक प्रकृति पाई जाती है। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह समूह में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको गैंग्स की एज बोली जाती है, समूह की एज बोली जाती है, समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे दोस्तों के झुंड में रहने, झुंड की आयु बोला जाता है इसको बाल्यावस्था को। उम्मीद करते हैं आपको बाल्यावस्था अच्छे से समझ में आ गया होता। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था में बालक का समाजीकरण, बालक का समाजीकरण किशोरावस्था में कैसे होता है, वो धर्म के अनुसार, वह व्यवसाय और मीडिया और मित्र, ये 4 उसके साधन होते हैं समाजीकरण के। धर्म के आधार पर भी समाजीकरण करता है, जैसे कि कोई हिंदू बिलोंग करता है तो मंदिर मस्जिद, जो मुस्लिम करता है मस्जिद में जाता है, ऐसे करके अलग अलग धर्म है तो वो धर्म से समाजीकरण को जोड़ना सीख जाता है, जिस व्यवसाय से भी समाजीकरण को जोड़ना सीख जाता है, और मीडिया से भी समाजीकरण और मित्र। तो इसका अगर प्रमुख साधन पूछा जाए किशोरावस्था में, तो धर्म और व्यवसाय किशोरावस्था के समाजीकरण के प्रमुख साधन है। अभी बाल्यावस्था में वो समूह में रहना पसंद कर रहा था, लेकिन जब किशोरावस्था में बालक आया तो वो समूह का सक्रिय सदस्य बन गया।
जैसे लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं युवा, तो किशोरावस्था में आते आते वो समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। और तीसरा पॉइंट है स्वयं को दूसरों के प्रति तथा दूसरों के लिए अपने प्रति कुछ दृष्टिकोण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, दूसरों के प्रति अपने लिए तथा अपनों के लिए दूसरों के प्रति कुछ दृष्टिकोण जो है विकसित होने लगते हैं किशोरावस्था में। इस प्रकार से बालक का सामाजिकरण होता है। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।